हेयर वॉक, अरे यार लकी यार तुम्हारे चक्कर में बार बार गड़बड़ हो रही है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, कहाँ ध्यान दे रहे हो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेल, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो आपने ऑलरेडी जान लिया है, थंबनेल मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो सबको पता है। वेल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ आप वही यूज़ करो, या फिर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है जो मेरी स्किन के साथ चीज़ें जाती हैं, जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपकी स्किन के साथ भी जाएं। इट्स डिपेंड स्किन टू स्किन, और मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है, या फिर ऑयली है, ड्राई है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये सारे प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो हर एक मैरिड लड़की, जो वुमेन है जिसकी शादी हो चुकी है, उनके पास होने ही चाहिए। वेल, ऐसा भी नहीं है कि अगर नहीं होंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन दो तीन ऐसे प्रोडक्ट्स जो होने ही चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। वेल, हम इंडियंस हैं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। अगर हमारे पास जो चीज़ हमें यूज़ करनी है वो नहीं भी है, हम कोई ना कोई ऑल्टरनेट पक्का निकाल ही लेते हैं। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं उन 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर जो मैं यूज़ करती हूँ और जो एक्चुअल में जिसकी शादी होने वाली है या हो चुकी है उनके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले, हम शादीशुदा हैं तो भैया हमारे पास होना चाहिए ये सिंदूर। अब मैं जो सिंदूर यूज़ करती हूँ वो दो यूज़ करती हूँ। पहला, ये पाउडर फॉर्म में है जो मैं इस बॉक्स में रखती हूँ, बहुत क्यूट सा प्यारा सा बॉक्स है ये, और एक ये लिक्विड फॉर्म में है। ये दोनों ही सिंदूर मैं यूज़ करती हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि मैं कौन सा सिंदूर किस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ। लाइक अगर मैं रेगुलर बेसिस पूजा करने के बाद जो यहाँ पे टीका करते हैं वो मैं ये पाउडर फॉर्म वाला यूज़ करती हूँ, और जब भी मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ उसके बाद ये लिक्विड वाला यूज़ करती हूँ। आपके ऊपर है आप कौन सा कब किस टाइम पे यूज़ कर रहे हो, और अगर आप दोनों में से कोई एक भी यूज़ करते हो तो भी अच्छा है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक जिसकी लड़की की शादी हो चुकी है उसके पास होनी ही होनी चाहिए। चलिए, सेकेंड आती है हमारी, जो मेरे घर में बहुत मानी जाती है, वो है बिंदी। भाई, बिंदी यूज़ करना अब डिपेंड करता है आपके फेस के ऊपर। आपका फेस छोटा है, गोल है, लंबा है, तो आपके फेस के ऊपर कैसी बिंदी अच्छी लगेगी। मेरा फेस थोड़ा सा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं छोटी छोटी बिंदी यूज़ करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाली बिंदी मैं यूज़ करती हूँ, आई होप विजिबल होगा। और एक बहुत छोटे छोटे ये हैं नग टाइप की बिंदी हैं, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। और सिंपल जो रेगुलर सब लोग यूज़ करते हैं, जो मुझे मेरी मम्मी ने और जो मेरे घर की लेडी हैं उन्होंने सजेस्ट किया, तो मैंने बस ये 3-4 पत्ते हैं बिंदियों के जो मैं इनमें से 1x1 यूज़ करती रहती हूँ। ये होनी ही होनी चाहिए हर एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, और शादी हो भी चुकी है और जिसकी बिल्कुल नई नई शादी हुई है उनके लिए तो होना ही होना चाहिए। मेरे भी शादी को बस 1.5 महीना ही हुआ है, मैंने आपको बताया है पहले भी। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सबके पास होनी चाहिए। उसके बाद आती है लिपस्टिक्स। वेल, मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक है, मुझे सबसे ज़्यादा शौक ही लिपस्टिक्स का है, तो मेरे पास बहुत सारे शेड्स पड़े हुए हैं, लेकिन जस्ट मैंने दो ही निकाले हुए हैं क्योंकि मैं घर में हूँ तो मैं ये दोनों ही यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहो तो मैं इनके शेड नंबर वगैरह आपको बता सकती हूँ, किसी को जानना हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत लाइट वेटेड लिप कलर हैं और पता भी नहीं चलता है लिप पे लगने के बाद के लगे भी हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों ही। और रेड तो आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप कभी भी लगा सकते हो, तो आपके पास ये लिप कलर होने ही होने चाहिए। डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास कितने हैं, आपकी कलर चॉइस क्या है, आपके फेस पे कौन सा अच्छा लगता है, वो सब कुछ और डिपेंड करता है। मेरे ऊपर ये वाले अच्छे लगते हैं, रेड भी अच्छा लगता है, तो मैं चेंज कर करके लगाती रहती हूँ। चलिए, ये 3 चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद आता है काजल। वेल, मैं काजल बहुत कम यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोज़ में, आपने देखा भी होगा। मैं ओवरऑल मेकअप ही कम यूज़ करती हूँ अपनी सभी वीडियोज़ में, इतनी ज़्यादा मेकअप लवर नहीं हूँ। लेकिन सामान जो होना चाहिए शादी के बाद और जो आपको यूज़ करना भी आना चाहिए और जो मैंडेटरी है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी भी, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम केवल वो 10 चीज़ें बता रहे हैं
जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो प्लस जो आपके पास होनी चाहिए। तो ये काजल भी होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी ब्रांड का खरीद रहे हो या फिर कितना लगा रहे हो, दिन में कितनी बार लगा रहे हो, लगा भी रहे हो या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अपने एक बात बताऊँ तो मैं घर में यूज़ नहीं करती काजल, लेकिन अगर मैं किसी के पास गई हूँ, घूमने के लिए गई हूँ या बाहर निकली हुई हूँ, तो मैं डेफिनेटली काजल यूज़ कर लेती हूँ। अब भाई चार चीज़ें तो हो गई, उसके बाद आता है बालों की बारी, क्योंकि बाल लंबे हैं तो मैं थोड़ी बहुत केयर तो करती हूँ, और मैंने आपको बताया भी है पहले, शादी के बाद मैं यहाँ पे आई अपने इन लॉज के पास, तो मेरे बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बाल बहुत टूटने लगे। तो फिलहाल जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ वो सनसिल्क का ये वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, अच्छा है, बाल टूट रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं टूट रहे। आप एक बार ही इसको ट्राई करके देख सकते हो, हो सकता है अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो आपका भी हेयर फॉल थोड़ा रुक जाए। और उसके साथ साथ जो चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी केवल बालों के ऊपर, उसमें पूरी डिटेल्स दूंगी। फिलहाल आपके पास एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, एक अच्छा शैम्पू होना ही होना चाहिए, भले ही आपके बाल छोटे हों, लंबे हों, भारी हों, हल्के हों, डजेंट मैटर, शैम्पू अच्छा होना ही चाहिए। उसके बाद आ गए आपके स्किन के लिए फेस प्रोसेस। फिलहाल अगर क्योंकि स्किन डिपेंड करती है कि आपकी स्किन ऑयली तो नहीं है, ड्राई तो नहीं है, मेरी स्किन ना ही ऑयली है ना ही ड्राई है, नॉर्मल है, लेकिन सेंसिटिव बहुत है, बहुत बारी पिंपल वगैरह हो जाते हैं, तो मैं अधिकतर दो फेस वॉश अपने साथ रखती ही रखती हूँ, आई होप आपको विजिबल होगा। तो ये बायोटिक के फेस वॉशेज हैं, जब भी मेरे को एक भी पिंपल होता है, एक भी दाना निकल के आता है फेस पे, तो मैं नीम वाला यूज़ कर लेती हूँ, और नॉर्मल डेज के लिए मैं ये एडवांस फेयरनेस फेस वॉश है बायोटिक का, मैं ये यूज़ करती हूँ। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके फेस पे पिंपल है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ये नीम वाला यूज़ करो, बहुत बहुत अच्छा है, मेरे ऊपर तो गया है, आप एक बार ट्राई करके देखो, हो सकता है आपकी स्किन के ऊपर भी चला जाए। उसके बाद आप घर पे रहते हो, मैं बहुत ज़्यादा घर में जो रेगुलर मॉर्निंग के बाद नहाने के बाद जो फेस पे चीज़ें लगाती हूँ वो मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, भले ही मैं घर में हूँ या ना हूँ, बाहर भी जाऊँ। अब डिपेंड करता है, अगर मैं घर में हूँ तो 9 to 5 सनब्लॉक SPF 30 यूज़ करती हूँ, और अगर मैं बाहर गई हूँ तो SPF 50 ये वाली लैक्मे की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। दोनों ही लैक्मे की हैं, हो सकता है आपको कोई और अच्छी लगे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, मैंने इसलिए बताया क्योंकि इनको मैं यूज़ कर रही हूँ और ये आपके पास होनी चाहिए। सनस्क्रीन क्यों लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजेज वगैरह आती हैं सन की, और दिन में भी अगर हम घर में भी रहते हैं आप तब भी लगाओगे तो नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा यही है कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, आई होप आप भी लगाते हो। उसके बाद गुलाब जल, मैं गुलाब जल ज़रूर ज़रूर लगाती हूँ नहाने के बाद, कुछ भी लगाने से पहले मैं गुलाब जल ज़रूर लगाऊंगी। वैसे गुलाब जल तो सभी यूज़ करते हैं, आई होप आप भी करते ही होगे, तो अगर आप नहीं करते तो नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गुलाब जल ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, प्लस कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इससे कुछ भी नुकसान हो जाएगा आपकी स्किन को, ये हर तरफ से अच्छा है, चाहे कोई भी स्किन टाइप हो, कोई भी, सबके लिए गुलाब जल अच्छी चीज़ है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद आपके पास आपके लिए डे एंड नाइट क्रीम होनी ही चाहिए, मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ लोटस की डे एंड नाइट क्रीम, ये वाली प्रॉपर मैं आपको मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कौन सी नाइट में यूज़ कर रही हूँ, कौन सी डे में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको अलग से जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के थ्रू भी पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मेरे से किसी ने पूछा भी था कि आप कौन सी क्रीम यूज़ करते हो, तो मैं लोटस की क्रीम यूज़ करती हूँ, कौन सी वाली वो मैं आपको बोल चुकी हूँ, बता दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके साथ साथ अगर आप नॉर्मल घर में मेकअप वगैरह नहीं करते लेकिन कभी मन कराया आपका करने का, तो मैं ये रखती हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन, प्राइमर और बहुत सारे मेकअप पे बिलीव नहीं करती, अनटिल एंड अनलेस कोई शादी या कोई बहुत
इम्पोर्टेंट फंक्शन ना हो तो मैं ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ कर लेती हूँ। आप चाहो तो कोई और भी यूज़ कर सकते हो, मुझे ये अच्छी लगी इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और लैक्मे का फेस पाउडर यूज़ कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं रेगुलर इसको यूज़ करूँ, इसकी जगह मैं ये वाइट टोन का चंदन वाला है तो मैं इसे भी यूज़ कर लेती हूँ। डिपेंड्स मेरे मूड के ऊपर है कि मेरा मूड अच्छा है ख़राब है, मन कर रहा है कि हाँ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं तो कर लिया वरना नहीं किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करती हैं, लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, इनके बिना शायद आपका काम चल भी जाए और ना भी चले। हाँ, इसमें से फेस पाउडर के बिना मेरा काम चल सकता है तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। आपके पास एक और ज़रूरी चीज़ जो है वो नेल कलर्स अच्छे होने चाहिए। आप अगर ना नेल आर्ट के शौकीन हैं, नेल पेंट्स के शौकीन हैं तो आप ज़रूर रखिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपकी शादी होने वाली है या हो चुकी है और आप सोच रहे हो कि ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए किसी भी ब्राइड के पास, तो आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो। और ऐसा नहीं है जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ आप वही ख़रीदो, आप अपने हिसाब से ख़रीद सकते हो। ये बस मैंने आपको वो प्रोडक्ट्स बताए हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर मैं चीज़ें चेंज कर दूँ तो मैं वो भी ज़रूर से आपको अपडेट कर दूँगी कि हाँ अब मैं क्या चीज़ यूज़ कर रही हूँ या क्या चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, थैंक यू। और हाँ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से आपके सब्सक्राइब से और शेयर से मुझे बहुत बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जब मुझे अप्रिशिएट करते हो तो मेरे को आगे आने वाली वीडियोस बनाने का भी मन करता है, प्लस मैं मोटिवेटेड रहती हूँ कि हाँ मेरी ऑडियंस के लिए मुझे चीज़ें बनानी है, नई नई चीज़ें सेलेक्ट करनी है और चीज़ें डालनी है यूट्यूब पे आप सबके लिए। तो प्लीज़ ज़रूर 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 से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ जिनकी शादी होने वाली है। थैंक यू।